हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि 10th क्लास पास होने के बाद जब हम 11th क्लास में साइंस या मैथमेटिक्स फैकल्टी में जाते हैं तो हमको फिजिक्स एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ता है। और मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट 10th क्लास में के बाद जब 11th क्लास में जाते हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि 11th क्लास में जब हम एंट्री करें साइंस फैकल्टी में तो फिजिक्स को बहुत इजी वे में हम किस तरह से हैंडल करेंगे। देखिए, फिजिक्स का पढ़ने का जो एक नेचर है, उसका एक टेक्निक है, उसको किस तरह से पढ़ा जाए, तो आज मैं ये सारे टॉपिक्स पर आपसे बात करूंगा। लीजिए, हम बात करते हैं कि फिजिक्स को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है, उसमें सबसे पहला मैं कुछ पॉइंट्स आपसे बात करूंगा जिसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट। फिजिक्स इज बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। फिजिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सब्जेक्ट है। एंड सेकंड इज फार्मूला एंड आर्टिकल्स। एंड थर्ड इज न्यूमेरिकल्स। ये थ्री पॉइंट्स को यदि हम प्रॉपर समझ लें तो हमको फिजिक्स समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। जैसे हम यदि हिस्ट्री पर बात करें तो वहाँ पर हम फैक्ट से याद करते हैं। जैसे बाबर का बेटा हुमायूं था तो हुमायूं था, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको इसके जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी पर आप डिस्कस करेंगे, जब तक उसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं करेंगे आपको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फार्मूला। आफ्टर दैट, जब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम फार्मूला डिराइव करते हैं और आर्टिकल्स। फार्मूला और आर्टिकल्स में थोड़ा डिफरेंस है, मैं आगे के अपने वीडियो पर इस पर आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा। एंड थर्ड इज न्यूमेरिकल। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फार्मूला डिराइव हो जाता है अच्छे से, और फार्मूला डिराइव होने के बाद हमसे न्यूमेरिकल्स भी बनने लगते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। विदाउट न्यूमेरिकल्स हम फिजिक्स पर बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इंजीनियरिंग के या मेडिकल के, वो कभी क्लियर नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली ये दो टॉपिक को लेकर बात करूँगा, फार्मूला और न्यूमेरिकल्स। ये दोनों टॉपिक को समझने के लिए जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। मैंने अपने लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस में ये बात देखा कि बहुत से स्टूडेंट, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो बायो ग्रुप के होते हैं, उनका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पुअर होने के कारण उनको फार्मूला डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो मैं आज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करूंगा। देखो, टूल्स क्या होते हैं। टूल्स मतलब औजार। आप इमेजिन करिए कीजिए कि सपोज मैं बहुत जीनियस इंजीनियर हूं, मैं IITian हूं और मुझे इंजीनियरिंग का बहुत बेस्ट नॉलेज है, लेकिन सपोज मुझे किसी डिवाइस को रिपेयर करना है, सपोज मेरा कोई डिवाइस ख़राब हो गया और मुझे रिपेयर करना है और मेरे पास किसी तरह का टूल्स नहीं है, ना मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, ना मेरे पास प्लायर है, ना और भी कोई भी टूल्स नहीं है, तो मेरा इंजीनियरिंग का टैलेंट कोई काम का नहीं है, क्योंकि विदाउट टूल्स मैं किसी मशीन को रिपेयर नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि सपोज मेरे पास कोई महंगी कार है लेकिन मेरे पास फ्यूल्स नहीं है, मेरे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो मेरे लिए उस कार का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली, यदि हमारा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पुअर है तो हम फिजिक्स नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने स्पेशली इस वीडियो पर इस बात को जोर दिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे फिजिक्स के स्टूडेंट्स मैथमेटिकल टूल्स पर इतना कमांड कर लें कि उनको आगे फिजिक्स की पढ़ाई पर कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में टूल्स कितने होते हैं। मैथमेटिक्स तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम उसको कंप्लीट फिजिक्स के लिए नहीं पढ़ते, ना उसको उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको ऐसे टूल्स के बारे में आज यहाँ पर बात करूँगा जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। और मैं कोशिश करूँगा कि उस टूल्स को इतना शॉर्टकट और इतना सिस्टमेटिक आपको बताऊँ कि वो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी ना हो और उसके बिना उतना तैयारी करने से आपकी पूरी तैयारी हो जाए।
तो मैं अपने टूल्स पर बात करता हूं कि कौन कौन से हमारे पास बेसिक टूल्स हैं। देखिए, सबसे पहले हमको मैथमेटिकल टूल्स में जिस मैथमेटिक्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है एलजेब्रा। मैं यहाँ पर आपको ऐसे मैथमेटिकल टूल्स पर बात करूँगा। फर्स्ट इज एलजेब्रा एंड सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड इज वेक्टर एलजेब्रा एंड फोर्थ इज कैलकुलस एंड फिफ्थ इज ज्योमेट्री। यदि इतने मैथमेटिकल टूल्स हमारे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो हमको फिजिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक एक करके मैं सारे टॉपिक आपको डील करूंगा और उसके अंदर भी मैं उतनी ही चीज़ों पर आपसे डिस्कस करूंगा जो फिजिक्स के लिए नेसेसरी है। अब देखिए, जब आप 10th पास करके आते हैं तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये तो आप 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए होते हैं। हालांकि थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड करूंगा मैं, लेकिन वेक्टर एलजेब्रा, कैलकुलस और ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन आप पढ़े होते हैं, लेकिन जो फिजिक्स में जिसका ज़रूरत है वो आप नहीं पढ़े होते, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक होता है जिसको आपको पढ़ना होता है। देखिए, जो मैथ्स फैकल्टी के स्टूडेंट होते हैं वो अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस में वेक्टर एलजेब्रा, कैलकुलस और ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी फिजिक्स में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर हम 11th क्लास में कैलकुलस यूज़ करते हैं बट हम मैथमेटिक्स में उसको 12th क्लास में पढ़ते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को भी कैलकुलस 11th क्लास के मैथमेटिकल टूल्स में ही हमको पढ़ लेना चाहिए। सेकंड इज वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा भी हम पढ़ लेते हैं मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में बहुत एडवांस यूज़ होने लगता है। ज्योमेट्री का भी इसी तरह से, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं वो तो फिर ये तीनों मैथमेटिक्स यदि उनको मैथमेटिकल टूल्स में ना पढ़ाया जाए तो कहीं भी वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं अपने सारे वीडियोज़ में बारी बारी से एक एक मैथमेटिकल टूल्स पर आपसे बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपका एलजेब्रा का पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, वेक्टर एलजेब्रा का पोर्शन, कैलकुलस का पोर्शन और ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए। मैं आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट और उसमें जो फार्मूले होते हैं सब पर डिस्कस करूंगा और मैं चाहूँगा कि कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता दूँ। बाकी आप यदि घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये टॉपिक पर अच्छा कमांड कर लेंगे और तब फिर आपकी फिजिक्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा एलजेब्रा पर। एलजेब्रा की टॉपिक पर हम बात करते हैं तो देखिए, बाकी टॉपिक में वन बाय वन डील करूंगा। तो सबसे पहले मैं एलजेब्रा पर बात करता हूं। देखिए, एलजेब्रा जो हमारा टॉपिक है, मैंने अभी आपको बताया कि आप इसको 9th और 10th क्लास में पढ़े हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप 9th 10th में नहीं पढ़े होते और फिजिक्स में हमको उसको ज़रूरत पड़ेगा। लाइक, आप सबसे पहले इसके जो फार्मूले हैं, इसके फार्मूले आप रिवीजन कर लीजिए 9th और 10th क्लास से, हो सके तो आप उसके लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये सबका पता होता है, ए माइनस बी होल क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे जो एक्सपांसन वाले फार्मूले हैं, ये फार्मूले फिजिक्स में यूज़ होते रहते हैं, तो ये तो आप 9th 10th क्लास के अपने रिवीजन से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। और कुछ फार्मूले और हैं जो आप 9th 10th में एलजेब्रा के नहीं पढ़े होते लेकिन आपको उसकी आवश्यकता होगी, वो है फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये एक ऐसा फार्मूला है जो फिजिक्स में हम 11th 12th क्लास में बहुत से जब फार्मूले अपन डिराइव करते हैं तो इसका डायरेक्ट यूज़ होता है। देखिए, मैथमेटिकल टूल्स हमको फिजिक्स समझने में इसलिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। सपोज़ हमको ये फार्मूला याद नहीं है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे, माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो नेचुरली 4ab आएगा। लेकिन यदि हम सारे फार्मूला इस तरह से डिटेल एक्सपांसन के साथ सॉल्व करते रहें तो हमारा डेरिवेशन लेंदी हो जाएगा, न्यूमेरिकल हम बहुत तेज़ी से नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस तरह के जो सब्स्टिट्यूट फार्मूले हैं, जो और फार्मूले से बने हैं, उनको भी आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कहीं कहीं पर हमको ज़रूरत पड़ता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। हम जनरली ए प्लस बी होल स्क्वायर को लर्न करके रखते हैं, लेकिन इसमें 3 टर्म्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, या सपोज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर।
इसको कैसे एक्सपांड करेंगे? इसको एक्सपांड करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले इनके सबके इंडिविजुअल अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट ए प्लस ए बी, तो ए बी का एक पेयर बनाइए, फिर बी सी का एक पेयर बनाइए। इस तरह से एक एक पेयर बनाते आप जाइए, ए के बी के साथ में, बी का सी के साथ में और सी का ए के साथ में। इस तरह से आपको तीन पेयर मिलेंगे और वो फार्मूला हो जाएगा 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इस तरह से ये फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। तो ये फार्मूला का लिस्ट आपको, आपका जो बेसिक आपके पास जो बुक्स होंगे 11th क्लास के लिए फिजिक्स का, किसी भी राइटर का बुक कंसल्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ये आपको मिलेगा, NCERT बुक को छोड़ के, क्योंकि NCERT के बुक में स्टार्टिंग में फिजिकल वर्ड्स स्टार्ट होता है, उसमें बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का कोई चैप्टर नहीं है। बाकी कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करेंगे, फार्मूले आपको मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने पहली बात आप ये बताई कि आपको सबसे पहले फार्मूले लर्न कर लेना चाहिए एलजेब्रा के, इनकी एक आप लिस्ट बना लीजिए। सेकंड, इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एलजेब्रा का, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फार्मूला है वो है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो फिजिक्स में कंटिन्यूसली यूज़ होते रहता है, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए भी और फार्मूला डेरिवेशन के लिए भी इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम पर ही आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा, ये बहुत सपोर्टिंग होगा आपको फिजिक्स को समझने के लिए। तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल्स थ्योरम का मतलब क्या है? देखिए, बाइनोमियल्स मतलब होता है टू टर्म्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए टू टर्म्स हैं ए एंड बी, बाइनोमियल्स टू टर्म्स के पावर का एक्सपांसन, एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम का ही एक पार्ट है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सपोज हमको चाहिए a प्लस बी होल क्यूब, तब हम लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये a प्लस बी के पावर 3 का एक्सपांसन है। सपोज इस तरह से हमको पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, ये सब का हमको एक्सपांसन का यदि ज़रूरत पड़े अप टू पावर n, तो हम सारे फार्मूला लर्न नहीं कर सकते। इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस से इस फार्मूला को बेस में लेके बाइनोमियल थ्योरम बनाया गया। आइए हम इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से बनाया गया है। देखिए, यहाँ पर आप कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर टू टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म्स, टू टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांसन इज 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। दैट मीन्स यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो एक्सपांसन में 3 टर्म्स आए हैं, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर आप देखिए पावर में 3 है तो एक्सपांसन में 4 टर्म्स आते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से एक बात यहाँ पर क्लियर होता है कि इसके पावर में जितना होगा एक्सपांसन में नंबर ऑफ टर्म्स उससे 1 मोर होगा, एक ज़्यादा होगा। यदि सपोज यहाँ पर पावर 5 है तो नेचुरली यहाँ पर एक्सपांसन में 6 टर्म्स आएंगे, यदि पावर में 10 है तो एक्सपांसन में 11 टर्म्स आएंगे, यदि यहाँ पावर में मैं n कर दूं तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे। ये पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो ये जो पहला टर्म्स है उसका पावर 2 होता है और उसके बाद इस a का पावर 2 से डिक्रीज होकर 1 हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर a नहीं है, दैट मीन्स a का पावर 0 हो जाता है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि जो फर्स्ट टर्म्स है उसका पावर इस पावर को लेके 1-1 डिक्रीज होता जाता है। इस ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 3 है तो फर्स्ट टर्म्स का a का पावर यहाँ पर 3 हुआ, फिर a का पावर 2 हुआ, फिर a का पावर 1 हुआ, फिर a का पावर 0 हो गया। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हमको पता चलता है कि फर्स्ट टर्म्स का जो पावर है वह अपने इस पावर को लेके 1-1 डिक्रीज होते जाता है। सेकंड आप देखिए, इसका जो सेकंड टर्म्स है b, वो उसके साथ जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स में b नहीं है, दैट मीन्स b का पावर 0 है, यहाँ पर देखिए b का पावर 1 है, यहाँ पर देखिए b का पावर 2 है। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए
तो b का पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इस तरह से हमको इस फार्मूला से 3 ऑब्जर्वेशन क्लियर होता है। फर्स्ट कि नंबर ऑफ टर्म्स इसके पावर से एक ज़्यादा होता है। दूसरा, फर्स्ट टर्म्स का पावर यहाँ से स्टार्ट होके 1-1 डिक्रीज होता जाता है और सेकंड टर्म्स का पावर 0 से स्टार्ट होके 1-1 इंक्रीज होता जाता है। सपोज अब हम इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर a प्लस बी टू दी पावर 5 को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो देखिए इस ऑब्जर्वेशन से हम उसको एक्सपांशन को लिख सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने अभी इसके कोफिशियंट पर बात नहीं किया है, ये मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए नेचुरली क्या हो जाएगा, a का पावर हो जाएगा 5 और b नहीं होगा। सेकंड टर्म्स में हो जाएगा a टू दी पावर 4, 1 इसे डिक्रीज करना है और हो जाएगा b प्लस, यहाँ पर मैं कोफिशियंट अभी नहीं लिख रहा हूँ। फिर a का पावर 3 बी स्क्वेयर प्लस ए का पावर 2 बी क्यूब प्लस ए बी टू द पावर 4 एंड लास्ट टर्म इज बी टू द पावर 5 एंड ए टू द पावर 0। तो देखिए अभी तक हमने ए प्लस बी के पावर 5 को लर्न नहीं किया था, लेकिन हमने इसके 90% पोर्शन को इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर लिख लिया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इसके कोफिशियंट क्या होंगे। तो कोफिशियंट को हमको समझने के लिए मैथमेटिक्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जहां पर हम कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीआर कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है और इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल एन। इसको रीड किया जाता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है। यहां पर मैं आपको थोड़ा फैक्टोरियल समझा दूं, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है सपोज अपने पास फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे तो इसका रूल है कि 5 जब फैक्टोरियल से बाहर आएगा तो अंदर में 5 में 1 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। आगे मैं इसको और एक्सपांड करूं तो 5 इंटू 4 को मैं बाहर कर दूंगा तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाता है। यदि मैं एनसीआर के फार्मूला को यूज करूं तो इस तरह से किसी भी फैक्टोरियल का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल को यहाँ पर यूज कैसे करते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम में, देखिए ये फर्स्ट टर्म्स में फैक्टोरियल एनसी 0 होता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट होगा, ये 5 है और c और 1, 5c1 ये इसका कोफिशियंट होगा 5c1, यहां पर हो जाएगा 5c2, यहां पर हो जाएगा 5c3, ये 5c4 और यहां पर 5c51 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहां पर जो एक्सपांशन लिखा है वो a प्लस b के होल पावर का कंप्लीट एक्सपांशन है। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल देके आपको इस बात को क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से ये 5c1, 5c2, 5c3 सॉल्व होते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां समझाता हूं कि सपोज मुझे 5c1 को सॉल्व करना है, तो 5c1 को मुझे सॉल्व करना है तो ये फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा। यहां पर n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 1 है, तो यहां पर जो फैक्टोरियल n है वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस r, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, दैट इक्वल ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मीन्स फैक्टोरियल 4 इन फैक्टोरियल 1, दैट इक्वल अब यहाँ से मैं 5 को यदि बाहर करूँ तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 4 जो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ऐसा रहने दीजिए और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने को मिल जाएगा क्या 5। इस तरह से 5c1 5 मिल जाएगा। तो आगे इस फार्मूला को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो a टू द पावर 5 प्लस ये जो 5c1 है इसका वैल्यू हमने फाइंड किया 5, तो 5a4 इंटू बी प्लस। सिमिलरली हम 5c2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 5c2 सपोज मुझे 5c2 को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा यहाँ पर r का वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा अब यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो यहाँ पर हम चाहें तो अब इसको दो बार बाहर करेंगे 5 into 4, तो अंदर बचेगा 3, ये फैक्टोरियल 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल आउट होएगा और 2 जाइए 5 into 2, ये हो जाएगा 10। इस तरह से 5c2 का वैल्यू हो जाएगा 10।
तो यहाँ पर हम 532 का वैल्यू को 10 पुट कर सकते हैं, 10a^3 बी स्क्वायर प्लस 5c3। इस तरह से हम 5c3 सॉल्व कर लें। आइए यहाँ पर हम 5c3 सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5c3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट इक्वल 5 को अपन दो बार बाहर करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो अंदर में जाएगा फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 2 ये इसका वैल्यू भी आ जाएगा 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे, 10a³b² प्लस 5c4। अब मैं आपको बताता हूँ 5c4 कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से 5c4 का अपन सॉल्व करें तो बहुत सिंपल वे में अब आप समझ गए होंगे, इसके वैल्यूज पुट अप करते जाइए, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, दैट इक्वल यहाँ से 5 बाहर करिए, अंदर फैक्टोरियल 4 बचेगा, इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, ये इक्वल टू 5। इस तरह से हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे, 5a^4 प्लस b^5, दिस इज द कंप्लीट एक्सपांसन ऑफ द a+b^5। इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांड कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको इसके n टर्म्स के लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत क्लियर कट एक्सपांसन है, लेकिन सपोज कोई स्टूडेंट बायो लिया हुआ है, या सपोज मैथमेटिक्स उसको बहुत डिफिकल्ट या बाइनोमियल थ्योरम उसको बहुत लेंदी लगा होगा, तो लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा और हम उस ट्रिक्स के बेस पर इसको बहुत आसानी से फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो मैं आपसे बात करता हूँ कि जैसे पावर 2, पावर 3, पावर 5 को मैंने यहाँ एक्सपांड करके बताया, अब इसे हम nth पावर के लिए एक्सपांसन को इसी लॉजिक के बेस पर लिखते हैं। देखिए पावर n, यहाँ पर n एक इंटीजर वैल्यू है और उसको हम इसी इंडक्शन मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। नाउ वी कैन राइट a+b होल पावर n, a+b^n, एंड इट्स कंप्लीट एक्सपांसन इज a^n। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म्स का पावर ये होगा, फिर यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो nc1, एंड आफ्टर दैट a^n में 1 डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स n-1, ये आएगा n-1 इंटू बी प्लस nc2 a^n-2 बी होल स्क्वायर एंड प्लस nc3 a^n-3 बी क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस b^n। दिस इज द कंप्लीट एक्सपांसन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। एक्चुअली यही बाइनोमियल थ्योरम है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बाइनोमियल थ्योरम पर बात ना करके a+b होल स्क्वायर के बेस पर मैं इसको आपको एक्सप्लेन किया। अब ये यदि आपको लर्न है तो आप बाइनोमियल थ्योरम कभी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको nc1, nc2, nc3 एंड सो ऑन, इसके वैल्यू आपको कॉम्बिनेशन के इस फार्मूले से सिंप्लीफाई करना होगा। क्लियर? तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है। अब मैं आपको इसको यूज इन फिजिक्स, फिजिक्स में हम बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज करेंगे ये आपको बताता हूँ। क्लियर? बाइनोमियल थ्योरम यूज इन फिजिक्स, दैट मीन्स शॉर्टकट यूज फिजिक्स में। जनरली हम जो बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं वो कभी भी वो बहुत लेंदी पोर्शन में नहीं होता। बाइनोमियल थ्योरम यूज इन फिजिक्स, शॉर्टकट यूज, फिजिक्स में हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। अब आपसे जो मैं बात करूंगा, यदि आप इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, इस बात को आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं, बहुत अच्छे सीख लेते हैं, तो मेरा दावा है कि आप फिजिक्स में कहीं पर भी बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, चाहे वो फार्मूला डेरिवेशन हो या वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो। तो देखिए यूज इन फिजिक्स, यहाँ पर एक स्पेशल केस है
और ये स्पेशल केस ही फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये स्पेशल केस है वन प्लस ए अपान बी और एक्स अपान वाई, किसी फॉर्म में लिख सकते हैं वेरिएबल को, वन प्लस एक्स अपान वाई का होल पावर एन। यहां पर एन का पावर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, पॉजिटिव पावर भी हो सकता है, निगेटिव पावर भी हो सकता है, और यहां पर भी ये सिंबल प्लस माइनस माने पॉजिटिव केस के लिए भी सही होगा और निगेटिव केस के लिए भी सही होगा। लेकिन यहां पर इसका कंडीशन है, देखिए इसका कंडीशन यह है कि हमेशा आपका फर्स्ट टर्म्स वन हो। फर्स्ट कंडीशन इज फर्स्ट टर्म इज वन, इसको वन होना चाहिए। और सेकंड केस में क्या होना चाहिए, ये जो हमारा रेशनल नंबर है, जो रेशियो है, उसमें एक्स इज वेरी लेस देन वाई होना चाहिए, एक्स को वाई से बहुत छोटा होना चाहिए। यदि ये वैल्यू इसे छोटा नहीं है तो ये केस एप्लीकेबल नहीं है, इक्वल का होने के भी केस में एप्लीकेबल नहीं है। देन इसका एक्सपांसन हो जाता है, तब हम इसके एक्सपांसन को लिख सकते हैं इस तरह से, दैट इक्वल वन प्लस माइनस, ये जो पावर है वो यहाँ आके इसके कोफिशियंट के फॉर्म में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स वन प्लस माइनस एन एक्स अपान वाई, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द दिस केस। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मेरे पास किसी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में इस तरह का केस आ गया, सपोज आ गया 99/100 टू द पावर 5, ये सपोज मेरे को कहीं पर सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 99/100 के यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, फिर उसका पावर 5 करूं, या 99 को पावर 5 करूं, तो इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पर यदि मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज कर दूं, ये मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल, तो ये 99/100 को मैं लिख सकता हूं 1-1/100 टू द पावर 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ही आएगा 100, यहां एलसीएम होगा और 100-1 99/100, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए आप उस एग्जांपल को इसके साथ में आप मैच कराइए, तो इसका फर्स्ट टर्म्स वन है, यहाँ वन है फर्स्ट टर्म्स, फिर मैंने सेकंड केस बताया एक्स इज वेरी लेस देन वाई, तो यहाँ पर देखिए वन इज वेरी लेस देन 100, दैट मीन्स ये इस केस को अप्लाई करता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो पावर है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फार्मूला ये कहता है। तो हम यहाँ पर इसको यूज कर दें, यह हो जाएगा 1-5/100, ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगा, दैट इक्वल इसको हम आगे सॉल्व करें तो 1- ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा क्लियर। अब 1 में 0.05 को माइनस कर दें तो हो जाएगा 0.95, इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो इस फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखना, ये जो हमने इक्वल लिया है एक्चुअल में ये नियरली इक्वल कंडीशन है, नियरली इक्वल कंडीशन में क्या होता है कि हम इसके हायर पावर को नेग्लिजिबल मान लिए हैं, एक इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसी तरह का हमको यूज करना होता है। अब मैं आपको किसी फिजिक्स में कोई फार्मूला डेरिवेशन के बेस पर आप इसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए जब आप फिजिक्स में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आप इसको यूज करोगे, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बता रहा हूं ग्रेविटेशन के चैप्टर में, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपको एक कंडीशन आएगा, जब आप वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी पढ़ेंगे तो एक कंडीशन आपके पास रहेगा g' / g इक्वल r² / r + h² इस तरह का एक कंडीशन आपको डेरिवेशन में, इस तरह का कंडीशन आपको मिलेगा। अब इसके वेरिएबल्स क्या है, कंडीशन क्या है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम मैं यूज़ कैसे करूँगा। सपोज इसको बाइनोमियली हमको सॉल्व करना है तो g' / g इक्वल r² / यहाँ से मैं r को कॉमन कर दूँ तो विथ पावर ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा r² अंदर डिवाइड होगा r का, तो हो जाएगा 1+h/r होल पावर, दैट इम्प्लाइज r² इसको साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा g' / g इक्वल, अब ये डिनोमिनेटर के वैल्यू को मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊँ तो पावर ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 1+h/r टू दी पावर -2, दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। देखो हमारा जो केस है फर्स्ट टर्म्स वन, यहाँ पर आप देखें फर्स्ट टर्म्स वन है, एंड सेकंड केस में देखिए x / y, x वेरी लेस देन y,
यहाँ पर h r से बहुत छोटा होता है। आप उस टॉपिक को समझोगे क्यों है। यहाँ आप देखिए पावर माइनस टू, दैट मीन्स बाइनोमियल थ्योरम में जो यहाँ पर पावर होता है n, वहाँ माइनस टू है। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में ये जो पावर है x के साथ यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता है कोफिशियंट के फॉर्म में। एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए ये जो माइनस टू है, माइनस टू यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपने को मिलेगा जी डैश अपॉन जी इक्वल वन माइनस टू एच अपॉन आर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इस तरह आप देखो, मैंने आपको दो एग्जांपल बताया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताया जहाँ पर हमको 99 अपॉन 100 टू द पावर 5 को सॉल्व करने में प्रॉब्लम था, हमने बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ईजी सॉल्व किया। उसी तरह से यहाँ फार्मूला डेरिवेशन का एक स्टेप है जिसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से सिंप्लीफाई किया। तो बाइनोमियल थ्योरम फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बाइनोमियल थ्योरम आपको न्यूमेरिकल्स में, फार्मूला डेरिवेशन में हर जगह काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा एक सजेशन है कि आप इस टॉपिक पर बहुत अच्छा से कमांड करिए। आगे के वीडियो में मैं मैथमेटिकल टूल्स के और टॉपिक पर डिस्कस करूँगा और इसकी आप प्रैक्टिस करिए और फिजिक्स को आप ईजी बनाइए। ओके।